मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर एक पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर एक स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेशवासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो, हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर, आश्चर्य होता है हमें। यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो भी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है, यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मनसाओं को उजागर करता है। क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है, सब ये सब बुरा लगता है उन्हें। और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर मान्य सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।